हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मिन्नल मुरली वर्सेस सजैम की। तो दोनों को पावर्स बिजली गिरने से मिलते हैं, एक अपने ऊपर बिजली गिराते रहता है और दूसरी मुसीबत। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मिन्नल मुरली और सजैम के फैंस इस वीडियो को शेयर करें। चलो देखते हैं किसके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, सजैम फैंस के या मिन्नल मुरली फैंस के। और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इन दोनों के बीच आज हम वर्सेस बैटल 3 पॉइंट्स के बेसिस पर करेंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर के बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन स्ट्रेंथ, तो बात करते हैं मिन्नल मुरली की। तो मिन्नल मुरली के पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। उसने मूवी में एक आदमी को आराम से धक्का देकर कुएं की दीवार तोड़ दी थी और उसने अपने एक पंच से ही पूरी घर की दीवार तोड़ दी थी। और साथ ही उसने खाई में गिरती बस को भी उठाया था, जिससे पता चलता है कि मिन्नल मुरली की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। मिन्नल मुरली के पास टेलीकिनेसिस की पावर है, जो अपनी स्ट्रेंथ से नहीं उठा पाएगा, वो वेट अपनी टेलीकिनेसिस के पावर से उठा सकता है। तो अब बात करते हैं सजैम की। तो सजैम के पास स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस है, जिसका सजैम मूवी में बहुत कम यूज किया गया है। एक सीन में सजैम ने बस उठा ली थी, मिन्नल मुरली ने पूरी तरह से बस नहीं उठाई थी, पर सजैम ने उठाई है। अभी तक सजैम का ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज नहीं किया है सजैम मूवी में, शायद सजैम 2 में सजैम की स्ट्रेंथ देखने को मिले। दोनों ने अभी तक बस लिफ्ट की है, इसलिए स्ट्रेंथ वाला राउंड टाई हो जाता है और एक एक पॉइंट दोनों को मिलता है। तो अगला राउंड है गाइस स्पीड का। तो गाइस यहाँ पे स्पीड में कौन विनर होगा, आप इस राउंड को देखने से पहले आप कमेंट करके एक बार जरूर बता दें। तो मिन्नल मुरली के पास अच्छी खासी स्पीड है, मिन्नल मुरली के पास अच्छे रिफ्लेक्सेस के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड के साथ रन करता है, जो नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन सजैम के पास स्पीड ऑफ मरकरी है, जिसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, ये तो सभी को पता है। और ये पॉइंट बड़ी आसानी से जाता है सजैम के पास। तो अब है यहाँ पे हमारे सजैम के पास 2 पॉइंट और मिन्नल मुरली के पास 1 पॉइंट। तो गाइस अगला राउंड अगर मिन्नल मुरली जीतता है तो ये मैच टाई होता है, अगर सजैम जीतता है तो ये मैच सजैम जीत जाता है। तो गाइस अब देखते हैं अगला राउंड क्या है। अगला राउंड है पावर का। तो मिन्नल मुरली के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस और इसके अलावा मिन्नल मुरली के पास टेलीकिनेसिस की पावर है। और बात करें सजैम की, तो सजैम का नाम ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स के फर्स्ट लेटर से मिलाकर रखा गया है, यानी कि सजैम के अंदर लगभग 6 गॉड्स की पावर है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस मैं उन सभी गॉड्स के नाम बता देता हूँ और उनकी पावर्स। तो गाइस यहाँ पे सजैम के पास विजडम ऑफ सोलोमन, यानी कि सोलोमन की अकलमंदी, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज्यूस, करेज ऑफ अकिलिस एंड स्पीड ऑफ मरकरी। जिसके पास 6 गॉड्स की पावर हो उसको हराना तो गाइस टेढ़ी की रहे, यानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए गाइस इस राउंड का विनर है सजैम। तो गाइस यहाँ पे अब मिन्नल मुरली के पास है 1 पॉइंट और सजैम के पास है 3 पॉइंट। तो इस सुपर बैटल का विनर है सजैम। तो अब देखते हैं किसके ज़्यादा फैंस है मिन्नल मुरली के सजैम के। तो वीडियो को शेयर करो और सजैम है मिन्नल मुरली में से अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं, आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच गाइस।